हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन राज फोटोजेनिक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लाइफ स्ट्रगल फोटो एडिटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, बहुत ही नॉर्मल पोज के साथ आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करवानी है और ये फ़ोटो में जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज करूँगा मैं, ठीक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग वीडियो देखने के लास्ट में, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देन चलो मैं अपना बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लूँगा। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने के लिए, और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो तो यकीन मानिए मेरा चैनल पे हमेशा आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरा कोई भी कभी भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, सो मैं अपना बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को अगर मैं पहले से मतलब बैकग्राउंड को कटआउट करके रखा हूँ, आप लोगों का अगर नहीं आ रहा है बैकग्राउंड कटआउट करना, तो मैं पहले ही एक वीडियो बना दिया हूँ कैसे कटआउट करते हैं। ठीक है, तो उसके वो वीडियो देख के आप लोग सीख जाओगे कि कैसे कटआउट करते हैं बैकग्राउंड को। ठीक है, तो चलिए मैं अपना बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड, चलिए मैं अपना पिक्सार्ट ऐप में बैकग्राउंड को ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों, बैकग्राउंड को पिक्सार्ट में ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, अभी हम लोग चले जाएंगे ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग को जो हमारा स्टोन है उसको लेके आएंगे। ठीक है, उसको लेके आने के बाद यहाँ अपना एडजस्ट कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वीडियो देखने के बाद आप लोग डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके स्टोन को एडजस्ट कर लेना है, जैसे ऐसा लगे कि ऊपर से गिर रहा है स्टोन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई साइड पे एक बार टैप कर देना है, उसके बाद हम लोग फिर से चले जाएंगे ऐड फोटो में। ठीक है, ऐड फोटो में जाने के बाद हमारा जो मॉडल है, ठीक है, उसको लेके आना है। तो हमारा मॉडल को लेके आना है, उसके बाद ऐसे करके इसको एडजस्ट कर लेना है ऐसे करके, जैसे ऐसा लगे कि हम लोग मतलब स्टोन नीचे से गिर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से गिर रहे हैं, तो हम लोग इसको धक्का दे के मतलब होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, तो देखिए कितना मस्त एडजस्ट हो गया। ठीक है, अभी एडजस्ट होने के बाद हम लोग इसको डन कर देंगे। ठीक है, अभी डन कर देने के बाद यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ डन कर देना है। ठीक है, यहाँ डन कर देना है। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कहाँ, ड्रॉ टूल में। ठीक है, ड्रॉ टूल में जाने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत शेडो लगाना है ना। तो शेडो लगाने के लिए हम लोग को देख लेना है कि कौन सा कलर में किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग को ब्लैक कलर में कर लेना है, उसके बाद हम लोग डन करना है। उसके बाद यहाँ एडजस्ट टूल में जाना है, देखना है कि इसका ओपेसिटी, हार्डनेस सब कुछ सही है कि नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बहुत ख़राब दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग एडजस्ट कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना आप लोग भी। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ टैप करना है, उसके बाद फ़ोटो को जूम करना है। ठीक है, यहाँ जूम करने के बाद ये जो हमारा हाथ है ना, तो उसको एकदम नीचे ऐसे करके ड्रॉ करना है कि ऐसा मतलब यहाँ शेडो क्रिएट करें हम लोग, है ना। तो इसके भी ऐसा एंड को भी ऐसा दोबारा आराम से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब ऐसा लगे कि हम लोग ये पत्थर को ओरिजिनली होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे पैर में। ठीक है, पैर में भी आके ऐसे करना है, थोड़ा अपना ऐसा लगे कि ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इस तो अपना ब्रश का साइज कम कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके नीचे से ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आराम से ड्रॉ कर लेना है, और इस पैर में भी ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये फ़ोटो में कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ दो ही पीएनजी लगाने हैं, तो बाकी तो हमारा देखिए फ़ोटो हो ही गया। ठीक है, अभी लाइट रूम में थोड़ा बहुत कलर क्रिएशन कर लेना है इसको। तो चलिए हम लोग चलते हैं लाइट रूम में। ठीक है, कलर क्रिएशन करने के लिए उससे पहले हम लोग यहाँ डन कर देंगे। ठीक है, डन करने के देने के बाद हम लोग फिर से चले जाएंगे ड्रॉ टूल में। ठीक है, ये फ़ोटो को ड्रॉ टूल में सेव करने के लिए, तो यहाँ थ्री डॉट दिख रहे हैं, यहाँ हम लोग क्लिक करना है, उसके बाद ये सेव इमेज में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम लोग का ये सेव हो गया। अभी हम लोग थोड़ा बहुत इसको कलर क्रिएशन करने के लिए लाइट रूम में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग लाइट रूम में। सो दोस्तों, मैं अपना फ़ोटो को लाइट रूम ऐप में ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, अभी हम लोग चले जाएंगे एडिट टूल्स में। ठीक है, एडिट टूल्स में जाने के बाद हम लोग इसका थोड़ा लाइट बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाएंगे, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा बढ़ाएंगे, हाइलाइट्स को भी थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, शेडो को नहीं बढ़ाना है, माइनस करना है। ठीक है, वाइट को थोड़ा बढ़ाना है, और ब्लैक को भी थोड़ा
माइनस करना है, ठीक है। अभी उसके हम बाद हम लोग चले जाएंगे कलर्स वाला ऑप्शन में, ठीक है। कलर्स वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ आप लोग देख रहे हो कि मिक्स कलर दिख रहे हैं, वहाँ हम लोग क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सेकंड वाला कलर्स में, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हो कि ये बॉडी का कलर है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं अपने अकॉर्डिंग कैसे करना है ना। तो इसको नहीं, इसको माइनस ही करना है, ठीक है। अपना फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना है। इसमें हम लोग मेरा फ़ोटो में माइनस करना है इसको, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चले जाएंगे थर्ड वाला ऑप्शन पे। थर्ड वाला ऑप्शन पे तो इसको भी माइनस करना है। बाकी तो हमारा बैकग्राउंड में कुछ भी कलर नहीं है इसमें से, ठीक है। तो अभी एक ही बार में ये कलर है, ठीक है। ये मेरा मतलब थोड़ा बैकग्राउंड का शायद ऐसा हो सकता है, हाँ बैकग्राउंड का कलर है ये थोड़ा, ठीक है। तो ये देख लेना है कि अपना अकॉर्डिंग इसको कलर को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं तो इसको नहीं बढ़ाऊँगा ज़्यादा, ठीक है। तो प्लस इसको ऐड कर देते हैं, और उसके बाद इसको भी थोड़ा, इसको नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें डन कर देना है, ठीक है। बाकी हमारा काम हो गया है। अभी इसके बाद हम लोग चले जाएंगे इफेक्ट वाला टूल में, ठीक है। इफेक्ट में जाने के बाद इसका टेक्सचर जो है इसको तो एक बार माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद डजेज को भी थोड़ा प्लस करना है, क्लियरिटी को भी थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। इसको प्लस, हाँ 11 कर देते हैं। उसके बाद विंटेज को भी थोड़ा माइनस करना है ना। और उसके बाद यहाँ भी हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अभी डिटेल्स में टूल में, ठीक है। तो डिटेल्स में जाने के बाद शार्पनिंग जो है इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। इसको ज़्यादा बढ़ेंगे तो फोटो में मतलब दाना दाना से आ जाएगा। तो इसको प्लस 6 कर देते हैं। उसके बाद नॉइज रिडक्शन में चले जाते हैं हम लोग। तो नॉइज रिडक्शन में जाने के बाद इसको थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्लस 18 कर देते हैं। उसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन को भी प्लस 17 कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये फ़ोटो हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप लोग देख ही सकते हो कि फ़ोटो कितना मस्त हो गया, बैकग्राउंड के साथ हमारा बॉडी और मतलब सब कुछ मैच हो गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि रियल में हम लोग ये स्टोन को मतलब होल्ड करके रखे हैं, वो नीचे ऊपर से गिर रहे हैं तो हम लोग होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रगल फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है। सो अगर आपको भी मतलब ऐसा एडिटिंग सीखना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अभी के लिए बाय।